साथ समाप्त करना है जनाबे रबाब के बहन इंशाल्लाह के मातम अदा होगा। जहाँ जहाँ भी तशरीफ करना है बतौर खास शेर समाप्त करवाएंगे इंशाल्लाह मसाब होंगे। एक दुखिया छाई तिरने में हर लम्हा
कर रही है जनाब अस्कर को याद करके समाज फरमाए इंशाल्लाह मसाफ होंगे। Thank you.
हुस्न जमाल असगर जानी खुश्क गला था पाया न पानी हुस्न जमाल असगर जानी खुश्क गला था पाया न पानी दार है से खड़ी हो राह में तन्हा ऐ मेरे असगर तुम हो संजीव करने वाले भी तैयार हो गए यार साहब अब इसके के हमारे मौजे के नौजवान ये संगीत का मातम शुरू करें आप हजरात को ये बता देना जरूरी समझा गया कि ये मातम हमारी पहचान है तीसरी पुश्त है जो इस खास तरीके पे जंजीर जंजीर करती है। दुख होता है कि कोई हमारी पहचान अगर छीनने की कोशिश करे इजाजत ये हमसे पहले एक अंजुमन नवाहानी कर रही थी उनका मखसूस अंदाज है मखसूस नौहा है अगर उनका नवा हम पढ़ना चाहें तो उनसे इजाजत देंगे फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ने का हक है। तो ये जो जंजीर का मातम ये खास हमारी पहचान है
और हमारे यहाँ कुछ लोग आबाद थे, किसी वजह से वो चले गए, उन्होंने इस मातम को अपनाया, लेकिन हमारी इजाज़त या हमें इत्तला भी नहीं। ये जंजीर का खास मातम हमारी पहचान है, हमारे मौजे की तीसरी पुश्त है जो ये मातम करती चली आ रही है। तो दूसरे लोग मातम जरूर करते हैं। अच्छा, नौहे पे भी गौर करेंगे तो जो नौहा लिखा गया था वो इस मातम को मद्देनजर और पेश नजर रखते हुए लिखा गया था। बिल्कुल इसी तरह आप समाज फरमाएंगे नौहे के अशार भी, जो इस मातम के तरीके से पूरी तरह से, देखे कॉपी राइट्स जैसी कोई चीज नहीं होती मातम और मजलिस में, लेकिन फिर भी जिसका जो तरीका होता है, पहचान होती है, अगर उसको कोई और अपनाना चाहे तो उससे इजाजत लेना बहरहाल जरूरी है। तो एक बात थी जो पहुंचाना जरूरी समझा गया, इसलिए कि हमने बहुत सी जगहों पे देखा कि कुछ लोग हैं इस मातम को उन्होंने कॉपी किया और करना शुरू कर दिया। हालांकि मातम का एक तरीका हर एक का होता है, हमारा ये तरीका है, हमें तकलीफ यूं है कि हमारे इस तरीके को अपनाया गया बगैर हमें इत्तला दिए। और ऐसा नहीं, ये पूरी दुनिया में ये मातम फेमस, मैं भी एक अरसे से बाहर रहता हूँ जमाने से, दूसरे लोगों ने ये मातम किया लेकिन इजाजत लेने के बाद, लेकिन कुछ लोग हैं जो मातम करने की कोशिश करते हैं। तो आप समाज फरमाएं, देखें, इंशाल्लाह मसाब भी होंगे, हमारे नौहा खान मखसूस अंदाज में नौहा खानी करेंगे, और उस पर नौजवान जो है, जो तीसरी पुश्त है, मैं याद दिला, ये तीसरी पुश्त है जो इस तरह से मातम को अंजाम देती, और शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके बेटे का पुरसा पेश करती है। तो ये खास तरीका है जो हमसे मखसूस है, हमारे अलावा ये मातम पूरी दुनिया में किसी भी जमीन के खत्ते पे नहीं पाया जाता। एक सलावत करो। बेगौर जो मैया शहबादा की पड़ी है, बेगौर जो मैया शहबाला की पड़ी है, एक गम किसे ना कल्ब में ज़ैनब के गड़ी है, एक गम बेगौर जो मैया शहबाला की पड़ी है, एक गम किसे ना कल्ब में ज़ैनब के गड़ी है, देती थी सदा ये अली अकबर को सकीना, देती थी सदा ये अली अकबर को सकीना, मकतल से चले आओ बहन दर पे खड़े है, बेगौर जो मैया शहबाला की पड़ी है, बेगौर जो मैया शहबाला की पड़ी है, एक गम किसे ना कल्ब में ज़ैनब के गड़े है, एक शमालिए तहत दिमा ये शबे आशोर, एक शमालिए तहत दिमा ये शबे आशोर, अकबर अभी आराम करो रात बड़ी है, एक गम की सेना कल्ब में ज़ैनब के गड़े है, गुर्बत में न डूबे कहीं सादात का बेड़ा, 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 बादे शहदी नाव तला तुम में पड़ी है, एक गम किसे ना कल्ब में ज़ैनब, बेगौर जो मैया शहबाला।
गम की सेना कल्ब में ज़ैनब के गड़ी है। जब खींचते हैं शहर तो तड़प जाता है बेटा, जब खींचते हैं शहर तो तड़प जाता है बेटा। किस शहर की बरछी दिले अकबर में गड़ी है, एक गम की सेना कल्ब में ज़ैनब के गड़ी है। जब खींचते हैं शहर तो तड़प जाता है बेटा, जब खींचते हैं शहर तो तड़प जाता है बेटा। किस तहर की बरछी दिले अकबर में गड़ी है, एक गम की सेना कल्ब में ज़ैनब के गड़ी है। करबला यूं बसाई जाती है, करबला यूं बसाई जाती, मौत प्यासों को आई जाती है। करबला यूं बसाई जाती है, चंद बाचे है शहे वाला, चंद बाचे है शहे लाशे अकबर उठाई जाती है, चंद बाचे है शहे वाला, लाशे अकबर उठाई जाती है। अब ना अकबर को देखिए नैना, शम्मा भी झिलमिलाई जाती है, मौत प्यास तो आई जाती है, मौत प्यास को आई जाती है। हैदर सही कुछ तो ने खिदमत है न के ऐवान, प्यासा रहा जाने न बे ऐवान। कब से मैं जिसके आब हो, कब से
बेताब हो वो कुछ तूने खिदमत ही न की ऐबान अलविदा मालिक मशरक़ैन अलविदा सारे अदारों की खिदमत में मुल्तमिस हो कि सब हल्का मातम में आके एक साथ अपने वक्त के इमाम में अलविदाई प्रोग्राम पेश करें। जो हजरात इधर खड़े उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि सब मिल करके एक साथ वक्त के इमाम की खिदमत में अलविदाई प्रोग्राम पेश करें। अंजुमन असगरिया आशपुरा के भी इमरान से गुजारिश है कि वह हल्का मातम में आकर के अलविदाई प्रोग्राम पेश करें। जो मातमदार खड़े हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वह हल्का मातम में आकर के अलविदाई प्रोग्राम पेश करें। अलविदा मशरक़ैन अलविदान मालिके मशरक़ैन अलविदान मालिके मशरक़ैन अलविदान अलविदा अलविदा शोर उठता रहा अलविदा अलविदा शोर उठता रहा अलविदा 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 शोर उठता रहा सारे आजादार मिल के मासूमा को हम उनके बाल का फूल अलविदा शोर उठता रहा अलविदा अलविदा शोर उठता रहा अलविदा अलविदा शोर उठता रहा अलविदा अलविदा शोर उठता रहा जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैरुल जज़ा।